नमस्कार दोस्तों, हाल ही में जारी एक फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर पूरे देश भर में कंट्रोवर्सी चल रही है और इस फिल्म के रिलीज होने से पहले कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस फिल्म को बैन करने के लिए मांग की। और जब फाइनली 5 मई को ये फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद में कुछ राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया, जिसमें बीजेपी शासित प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं। लेकिन उनके खिलाफ जस्ट 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस द केरला स्टोरी फिल्म को बैन किया, जिसमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल है। और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस समय केरल के मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह फिल्म सांप्रदायिक सद्भावनाओं को बिगाड़ने वाली फिल्म है और इस फिल्म पर तत्काल रोक लगा देनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या है इस फिल्म में, आखिर इस फिल्म को लेकर के इतना विवाद क्यों हो रहा है? दोस्तों, द केरला स्टोरी फिल्म कहानी है 3 लड़कियों की, जो कि पढ़ाई करने के लिए अपने गाँव को छोड़ करके कसारगोड केरल के नर्सिंग कॉलेज में आती है, जहां पर इन 3 लड़कियों को 3 मुस्लिम लड़के, जो कि ISIS संगठन से संबंधित होते हैं, वो अपने प्यार के जाल में फंसा लेते हैं। इनमें से फाइनली 2 लड़कियां फंस जाती हैं, एक लड़की इससे बाहर निकल जाती है, लेकिन उस लड़की के साथ में काफ़ी कुछ गलत होता है। इन 2 लड़कियों में से एक लड़की के कुछ पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाते हैं, जिसके सदमे को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये सुसाइड कर लेती है। और फाइनली एक लड़की इस साजिश में फंस जाती है और वो मुस्लिम लड़के इसाक से शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लेती है और उसके बाद में उसे ISIS ज्वाइन करने के लिए सीरिया तुर्की के बॉर्डर पर भेजा जाता है। बेसिकली दोस्तों, ये फिल्म एक एंगल दिखाती है, लव जिहाद वाला एंगल। और इस फिल्म में दावा किया गया है कि ऐसी सिर्फ 1 या 2 लड़कियां नहीं हैं, 32,000 लड़कियां हैं जिनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करके ISIS में ज्वाइन करने के लिए भेजा गया है, जो कि सीरिया, तुर्की, यमन के रेगिस्तानों में आज भी दफन है। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर के सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है इसके फिगर्स को लेकर के, जिसमें 32,000 लड़कियों के केरल से गायब होने का दावा किया गया है। लेकिन जब दोस्तों इसके डायरेक्टर फिल्म के सुदीप्त सेन, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित थे, जब इनसे पूछा गया कि आपके पास में इनसे रिलेटेड क्या सोर्स है, और उन्होंने कहा कि जून 2010 में केरल के मुख्यमंत्री अन्ना चांडी ने विधानसभा में कहा था कि केरल से प्रत्येक वर्ष 2600 से लेकर 2800 के लगभग लड़कियां इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो रही हैं और उसके बाद में उन्हें ISIS ज्वाइन करने के लिए यहां से भेजा जा रहा है। और इस हिसाब से अगर हम देखें, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखें, तो 10 साल में आंकड़ा 30,000 से 32,000 के लगभग आता है। और ये कहना है द केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्त सेन का। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें इंडिया टुडे के एक आर्टिकल की, जो कि जून 2012 में पब्लिश हुआ था, इसमें यह दावा किया गया था कि ओमन चांडी ने जून 2012 में विधानसभा में ये कहा था कि जून 2006 से लेकर के जून 2012 के बीच में 2,667 लड़कियों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है और इस्लाम में कन्वर्ट किया है। लेकिन दोस्तों, इस समय ओमन चांडी ने किसी भी प्रकार के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। और ये नंबर वो नंबर नहीं है जो इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्त सेन बता रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष 2600 से लेकर 2800 लड़कियां धर्म परिवर्तन कर रही हैं, और इस हिसाब से आंकड़ा 32,000 पर जा रहा है। इन्होंने जून 2006 से लेकर के जून 2012 के बीच में आंकड़ा बताया था 2,667 लड़कियों के लगभग। और सेकंड, इस फिल्म के रिलीज होने से पहले इसको केरल हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन केरल हाई कोर्ट ने इस फिल्म पर रोक लगाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसको फिल्म सेंसर बोर्ड ने प्रमाणित किया है, ए कैटेगरी का इसको दर्जा दिया गया है, इसलिए हम इस पर मांग नहीं लगाएंगे। लेकिन केरल हाई कोर्ट ने साथ में ये सवाल भी पूछा कि सुदीप्त सेन से कि ये जो फिगर आपके द्वारा रखा गया है 32,000, इसके लिए सोर्स आपके पास में क्या है? उसके बाद में सुदीप्त सेन, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इन्होंने अब हाई कोर्ट में कहा कि हम जिस भी टीजर में इस तरह की बातें की गई है उसको हम हटा देंगे, और बाद में इस फिल्म के ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन में 32,000 लड़कियों की संख्या को चेंज करके 3 लड़कियों की संख्या पर ले आया गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 32,000 लड़कियों के बारे में ये फिल्म दावा कर रही थी और उसके बाद में इसको डिस्क्रिप्शन में चेंज करके 3 लड़कियों पर ले आया गया, इसलिए ये फिल्म शुरू से ही काफ़ी विवादों में बनी हुई थी। लेकिन दोस्तों, क्या इस तरह की प्रॉब्लम रियली इंडिया में एग्जिट करती हैं? क्या सच में कोई मुस्लिम लड़के हैं या फिर कोई आतंकवादी संगठनों से संबंधित सदस्य सचमुच कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करके ISIS ज्वाइन करने के लिए भेजते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ISIS दुनिया भर से लोगों को अपने पास में रिक्रूट करता है, उनका ब्रेन वॉश करता है, उसके बाद में उनको ISIS ज्वाइन करवाया जाता है। लेकिन जिस तरह का इस फिल्म में दिखाया गया, उतने बड़े लेवल पर इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है। इस फिल्म में इसको काफ़ी बड़ा चढ़ा करके दिखाया गया है। अगर मैं बात करूँ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक,
180 से लेकर 200 लोगों के द्वारा ISIS को ज्वाइन किया गया है भारत से, जिसमें से 40 केरल से संबंधित है। और इन 40 लोगों में सिर्फ 3 लड़कियां हैं, और तीन लड़कियों में से 2 लड़कियां वो है जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म से इस्लाम में कन्वर्ट हुई है, और सिर्फ 1 लड़की ऐसी है जो कि हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हुई है ISIS को ज्वाइन करने के लिए। और इसी तरह मैं बात करूँ US स्टेट डिपार्टमेंट रिसर्च की, तो 66 के लगभग लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है ISIS में, जो कि भारत से गए थे ज्वाइन होने के लिए। 2019 में BJP के मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये लिखित रूप से कहा था कि हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और पुलिस एजेंसियों को इस तरह के केवल 155 केसेस मिले हैं पूरे इंडिया में, जो कि ISIS से संबंधित हैं या फिर ज्वाइन करने के लिए गए हैं या फिर उनके खिलाफ सिंपैथी रखते हैं। तो दोस्तों, ये जरूर है कि इस तरह की प्रॉब्लम हमारे इंडिया में है, इंडिया नहीं, ये दुनिया भर में प्रॉब्लम है, चाहे US हो, रशिया हो, डेनमार्क हो, चाहे आप जॉर्डन लो, हर जगह इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है, इतने बड़े लेवल पर केरला स्टेट को बदनाम किया गया है कि उसका इस्लामीकरण होने वाला है, ये सरासर फेक एलिगेशन से। लेकिन अगर दोस्तों मैं अपना ओपिनियन दूँ, तो मैंने कल ही जाकर के ये फिल्म देखी है, और इस फिल्म को मैं 10 में से 6.5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि इस फिल्म में जितने भी फैक्ट्स हैं, डेटा है, उनके लिए किसी भी प्रकार का सॉलिड एविडेंस अभी तक पेश नहीं किया गया है, इसलिए हम इसको अभी ऐसे ही मानेंगे। लेकिन जो फिल्म की स्टोरी लाइन है कि कुछ लड़कियों को या फिर कुछ लड़कों को या फिर कुछ फैमिलीज़ को ISIS के एजेंट्स के द्वारा इन्फ्लुएंस करके, उनका ब्रेन वॉश करके ISIS में शामिल करने के लिए भेजा जाता है, ये कहानी सच है। लेकिन जो इस फिल्म में उन लड़कियों की मासूमियत दिखाई गई है, जिस तरह का इसमें एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की गई है, वो मुझे इसमें गलत लगा। क्योंकि इस फिल्म को अगर आप देखोगे तो इसमें एक भी मुस्लिम कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो कि सामान्य रूप से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि केरला में सारे ही लोग ऐसे हो गए हैं। इस फिल्म में किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिखाया गया है कि इस फिल्म में इतने बड़े लेवल पर यह सब काम हो रहा है और पुलिस और जांच एजेंसियों को इसके बारे में पता तक नहीं चल रहा। तो इस फिल्म में ये सब दिक्कतें हैं, और इसके संबंध में काफ़ी यूट्यूबर्स या काफ़ी कुछ क्रिएटर्स ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं। मेरा भी मन था पहले वीडियो बनाने का, लेकिन उसके बाद में मुझे इसके बारे में टाइम नहीं मिला, इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। ये छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप लोग इसको देखें और उसके बाद में ये फिल्म जा करके देखें। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अपना ओपिनियन ज़रूर लिखें कमेंट्स में। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।